एक बार फिर से केमिकल बॉन्डिंग के टॉपिक को हम लोगों ने टारगेट किया है, लेकिन हमेशा की तरह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं वो है ब्लॉक, जो मुश्किल चीजें हैं जो लोग नहीं जल्दी उठा पाते हैं वो है ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक जो हम लोग बोलते हैं। तो एक बार फिर से हाइब्रिडाइजेशन को तो हम लोग लेंगे टॉपिक में, केमिकल बॉन्डिंग वाले टॉपिक से, बट अपना निशाना जो रहेगा एक बार फिर से वो ब्लॉक पे ही रहेगा। हम लोग ब्लॉक को के एग्जाम्पल्स को, वहां के मॉलिक्यूल्स को, वो सब उठा करके हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। मतलब हाइब्रिडाइजेशन के एप्लीकेशन के तौर पे हम लोग ब्लॉक वाले एग्जाम्पल्स लाएंगे, कहने का यही मतलब है। सर ऑफलाइन कब पढ़ाएंगे? जब अपनी सरकार अलाउ करेगी तो अगले कुछ दिनों के अंदर फिर हम लोग फिर ऑफलाइन स्टार्ट कर लेंगे। अब गवर्नमेंट कब अलाउ करती है पूरे तरीके से देखिए, फिलहाल तो अनलॉक फोर में हम लोग आपको पूरे पढ़ाने के लिए फ्री नहीं है, ये गाइडलाइन है, बाकी अब देखिए क्या होता है। चलिए ठीक है, स्टार्ट किया। पेज वन, हाइब्रिडाइजेशन। हमेशा की तरह स्टार्ट करने से पहले हम लोग बेसिक्स लेवल पे थोड़ा सा काम करते हैं, बात करते हैं ये टॉपिक आया क्यों, इसके आने के का रीजन क्या है। सर आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, अरे सर आप ये देखिए ना, ये टॉपिक हमसे भी ज्यादा हैंडसम स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट टॉपिक है, और आपको फिजिकल हैंडसम समझ में आएगा कि कुछ नहीं होता है, जो मेंटल स्मार्टनेस होती है। पॉलिंग साहब कितने स्मार्ट थे कि ये टॉपिक वो डिजाइन कर दिए, एक ऐसी चीज जो होती नहीं है वो डिजाइन करके पूरी दुनिया को लोगों को बेवकूफ बना गए। तब बताइए, उन्होंने अपनी केमिकल बॉन्डिंग की बुक में लिखा है, प्रीफेस में आप पढ़ेंगे तो केमिकल बॉन्डिंग की उनकी बुक आती है, मेरे पास है प्रीफेस में, नहीं केमिकल बॉन्डिंग में, हाँ प्रीफेस में ही बॉन्डिंग की ही बुक है वो, तो उसमें प्रीफेस में लिखी हुई चीजें हैं कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन होता नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमने डिजाइन किया और लोग इसको पढ़ पढ़ के हमेशा इस पर काम करते रहे, जानते हुए कि नहीं होता फिर भी इसका एप्लीकेशन करते रहेंगे, ये सोच करके मुझे हमेशा खुशी होगी, ठीक है। तो आपको अंदाजा लगेगा कि लोग मेंटली कितना स्मार्ट होते हैं। अभी आने तो दीजिए पहले टॉपिक को, चलिए, और आप लोग आपस के हाय हेलो बाद में कर लेंगे। मेंटल स्मार्टनेस इज बेटर देन फिजिकल। वाह सचिन, वेरी गुड, एक्सेलेंट, वेल सेड बेटा। हाइब्रिडाइजेशन गिवन बाय पॉलिन, लाइनस पॉलिन, लाइनस पॉलिन बोलते हैं लोग, एंड स्लेटर, स्लेटर का भी नाम है, मुख्य रूप से हम पॉलिन को जानते हैं। 1931, पॉलिन साहब दो दो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज जीतने वाले इंसान रहे हैं और काफी अच्छी उम्र उन्होंने जी है, 95 इयर्स के एज में ऑलमोस्ट उनकी डेथ हुई थी, 90 प्लस इतने साल वो जिए हैं, 1905 से लेकर 1995, 90 साल, 95 नहीं 90 इयर्स, 1905 का उनका बर्थ है और 1995 में उनकी डेथ हुई, मतलब कुछ ही सालों पहले, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो लाइनस पॉलिन का नाम हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमेशा जाना जाता है, स्लेटर का भी इसमें रोल है, स्लेटर ने भी बहुत सारी चीजें इसमें दी हैं, जैसे हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक को जब कह सकते हैं कि उसका इलेबोरेशन चल रहा था, डिटेलिंग चल रही थी, तो उसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट इंट्रोड्यूस किया था स्लेटर ने, और उसके वजह से हाइब्रिडाइजेशन को और अच्छा एक आयाम मिला था, तो उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। चलिए अभी फिलहाल गिवन बाय पॉलिन एंड स्लेटर, हाइब्रिडाइजेशन है क्या, अच्छे से देखो, इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, दिस इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, मीन्स बेटा दिस इज कंप्लीटली एन इमेजिनेशन। पॉलिन हैज इमेजिन्ड समथिंग लाइक हाइब्रिडाइजेशन जैसी कोई चीजें होती होंगी और उन्होंने इसको एक खूबसूरत थियोरी बनाकर के केमिस्ट्री में अप्लाई कर दिया, ठीक है, एक अच्छी थियोरी बनाकर के केमिस्ट्री में उन्होंने अप्लाई कर दिया। तो हाइब्रिडाइजेशन पहली बात, ये होता नहीं है, ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ऐसा होता नहीं है हाइब्रिडाइजेशन। बाकी हम लोगों ने बराबर यूज किया है, बराबर हम लोगों ने पढ़ा भी, बहुत बार हम लोगों ने बोला भी, आज उस टॉपिक को पढ़ना चाह रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, स्पेक्ट्रोस्कोपी किसी भी रियल घटना को, वास्तविक घटना को
एक्सप्लेन करता है केमिस्ट्री में। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बहुत ही अच्छी चीज है जो किसी चीज को डिटेल करता है केमिस्ट्री में, जो होता है जेन्युइनली। तो इसका कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी से एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी कभी हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन नहीं करती है। तो अपन वो एक लाइन लिख लेते हैं साथ में इसके साथ बैलेंस करने के लिए, नो स्पेक्ट्रोस्कोपिकल एविडेंसेज नोन इन फेवर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। चलो आगे, हाइब्रिडाइजेशन में कहीं कहीं एस भी लिखी जाती है। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, किस चीज के बारे में इमेजिनेशन है? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करना और उनको हर मामले में इक्विवेलेंट कर देना। अच्छे समझो, ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करना, पूरे अच्छे से मिला देना और मिला करके उनको हर मामले में इक्विवेलेंट कर देना। अगर वो इक्विवेलेंट नहीं थे किसी वजह से तो हर मामले में उनको इक्विवेलेंट कर देना, ये पॉइंट है। एस ऑर्बिटल अलग एनर्जी, अलग शेप, अलग रेडियल डिस्टेंस का है। पी ऑर्बिटल अलग एनर्जी, अलग शेप, अलग रेडियल डिस्टेंस के हैं। सभी को आपस में मिक्स करना, इंटरमिक्स कर देना अच्छे से, और इंटरमिक्स करके इक्विवेलेंट कर देना हर हाल में, मतलब पूरा इक्विवेलेंट बना लेना उनको। हाइब्रिडाइजेशन एक तरीके से समझो तो यही है। एटॉमिक ऑर्बिटल, और जब मजा आने लगे, लगने लगे कि नहीं एक अच्छे तरीके से हम लोग इसको सीख पा रहे हैं, तब मैं आपको बोलूंगा कि तब जाकर के आप वीडियो को लाइक करना, कोई जल्दबाजी नहीं कि तुरंत लाइक कर दें। तो इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच में शेप ओवरलैपिंग एबिलिटी। अच्छे से देखना होता है, बीच में डिस्टर्ब हो गया था शायद। क्या अभी सही है? अभी भी ब्लर आ रहा है? नेटवर्क का कुछ इशू रहा होगा यूट्यूब की तरफ से। अभी भी ब्लर आ रहा है या अभी सही है, क्लियर है? चलो आगे, क्या करोगे, ऑनलाइन का हिसाब किताब ही ऐसा है, सब चल रहा है तो सही चल रहा है और सरकार के भरोसे है, गड़बड़ हुआ तो फिर कुछ नहीं कह सकते। तो चलो, मैंने बोला कि इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच मेक्स देम कंप्लीटली इक्विवेलेंट बाय मींस ऑफ एनर्जी, बाय मींस ऑफ शेप, बाय मींस ऑफ ओवरलैपिंग एबिलिटी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए कि एटॉमिक ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करना, पूरे तरीके से उनको इक्विवेलेंट बनाना है हर तरीके से। हर तरीके से मतलब एनर्जी के मामले में भी वी हैव टू मेक देम इक्विवेलेंट, शेप के मामले में भी वी हैव टू मेक इक्विवेलेंट, ओवरलैपिंग एबिलिटी ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इसी मामले में वी हैव टू मेक देम इक्विवेलेंट। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी इस मामले में भी एन लगा दो, कोई पहले नॉन डायरेक्शनल था अब वो डायरेक्शनल हो जाए, कोई पहले मोर डायरेक्शनल था और ज्यादा डायरेक्शनल हो जाए, मतलब ये हुआ कि हर मामले में ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करने के बाद अपन उसको इक्विवेलेंट देखते हैं, इक्विवेलेंट समझते हैं। दिस इज हाइब्रिडाइजेशन। जैसे एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, हम लोग दो तीन फ्रूट्स खाते हैं, दूध लेते हैं और दो तीन तरह के फ्रूट्स खा रहे हैं, चीनी भी ले लिया अलग से या उसकी जगह गुड़ ले लिया हमने, कुछ ले लिया और सब हम अपन इंटरमिक्स कर रहे हैं। इंटरमिक्स करके उसका सिरप तैयार कर रहे हैं, उसका जूस तैयार कर रहे हैं, उसका शरबत तैयार कर रहे हैं।
तो जब आप इंटरमिक्स करके वो तैयार करते हो, तो अब एक सिरप, एक चम्मच आप ऊपर से उठाओ, एक चम्मच बीच से उठाओ या एक चम्मच नीचे से उठाओ, क्या फर्क पड़ता है? ऊपर से नीचे हर जगह का टेस्ट, कलर, सब कुछ क्या होता है? सेम। हाइब्रिडाइजेशन कुछ यही चीज है। अब एक कंफ्यूजन क्या है, देखो कॉमन मिसकंसेप्शन, हाइब्रिडाइजेशन और ओवरलैपिंग बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ओवरलैपिंग इज व्हाट, जब आप जूस पियोगे तो जो डाइजेशन वाला चीज है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन जहां से एनर्जी निकलेगी, वो आपकी ओवरलैपिंग। हाइब्रिडाइजेशन ने बस क्या किया है, सेब को उसने सेब नहीं रखा, केले को उसने केला नहीं रखा, दूध को उसने दूध नहीं रखा। अब चाहे एप्पल हो कि बनाना हो या फिर मिल्क हो, सारे चीजों को उसने हर मामले में इक्विवेलेंट कर दिया। बस हाइब्रिडाइजेशन इज दैट। एक दिमाग के ऊपर, सर आखिर ये सोचा क्यों गया, इक्विवेलेंट करने की जरूरत क्यों? तो अभी हम लोग उसके एप्लीकेशन पर आ जाएंगे सीधा सीधा, इक्विवेलेंट करने की जरूरत क्या है। होमोजीनियस मिक्सचर, विशाल ने बोला होमोजीनियस मिक्सचर, हाँ एक तरह से कह लो विशाल, अभी जब तक ऐसे बात कर रहे हैं तब तक बोल, मोदी जी की तरह हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। चलो आ जाओ, तो हर मामले में उनको इक्विवेलेंट बनाना है, दिस इज हाइब्रिडाइजेशन। एक एग्जांपल ही क्यों ना ले ले नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और वहीं से पॉइंट्स लिखे हम लोग, नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अच्छे से देखोगे अब यहीं से अपन पॉइंट बनाएंगे, ठीक है? मैं अभी थोड़ा सा स्लो लेके जा रहा हूं, क्योंकि टॉपिक ये नया है तो थोड़ा सा स्लो लेके जा रहा हूं, धीरे 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 उसमें स्पीड ले लूंगा। नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्या है, ये तो डेफिनेशन है, लेकिन सवाल है आखिर ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करने की जरूरत क्या है, उनको इक्विवेलेंट करने की जरूरत क्या है? भैया एस को एस रहने दो ना, एस इज नॉन डायरेक्शनल, एंड वाई यू नीड द डायरेक्शनल एस ऑर्बिटल, क्यों आपको उसकी जरूरत है? For that you need to mix, intermix it with s p or d orbitals, p and d orbitals. आपको उसको directional बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा आपने p को add करना है, आपने d को add करना है, तो क्यों ऐसी जरूरत क्यों पड़ी? s अपना non-directional है, वही अच्छा है। तो need क्या है? Need से समझ लेते हैं और वहीं से points लिखेंगे। जितने hybridization के points होते हैं सब उसी need से हम लोग बना लेंगे, ठीक है? पहला, लेट फॉर्मेशन ऑफ CH4, मान लिया आपने फॉर्मेशन ऑफ CH4 मिथेन। आ जाओ, जब मिथेन अपन लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अभी तक हमने केमिकल बॉन्डिंग का जो थ्योरी पढ़ा था वो पढ़ा था VVT, तो अपन VVT लगाते हैं इसमें, कार्बन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में काम आती है, देखते जाओ अच्छे से। कोई डाउट हो तो तुरंत चैट में जाकर के अपना पॉइंट्स रेज करना, सर एटॉमिक स्ट्रक्चर कब पढ़ाएंगे? भाई साहब जो टॉपिक चल रहा है बेटा उस वो टॉपिक करना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर कब पढ़ाएंगे? अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले टॉपिक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका कब को खत्म हो गया, आप कहां पे चल रहे हो, लेट चल रहे हो, इतना साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, जिनका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है वो बैक जाके रिकनेक्ट कर ले। बाकी लोग क्या वॉइस आ रही है सही ना, वॉइस और पिक्चर मेरे हिसाब से सही आ रही होगी। 2s1 2p3 लाइव लेना बेटा, इतना आसान थोड़ी है, वो भी यूट्यूब से। 2p3 ये चलो, कोवेलेंसी 4 मीथेन के लिए हम लोग सोच रहे हैं, CH4 के लिए हम लोग सोच रहे हैं, देखते जाओ। यस सर, आ रहा सबका। अब यहां पर अपना हाइड्रोजन एक कनेक्ट होगा यहां से 1s1, एक यहां से वैलेंस बॉन्ड के लिए, ऐसे ही ओवरलैप करवाया, पिछले क्लास में हमने करवाया भी अच्छे से चीजों को, ये ले लो। तो ये अपना इस तरह से sp ओवरलैप, और sp में भी कौन सा s, 1s और 1s और 2p ओवरलैप, और एक ओवरलैप कौन सा है, 1s 2s ओवरलैप। दो तरीके का ओवरलैप, जरा गौर करोगे, ये 1s 2s ओवरलैप और दूसरा ओवरलैप कौन सा है, 1s 2p ओवरलैप। दो तरीके का ओवरलैप है, आपने पढ़ा है, आपने अच्छे से पढ़ा है, ये 1s ले लो, ये ले लो 2s, 2s थोड़ा बड़ा होगा, तो यहां से सिग्मा SS बॉन्ड बनेगा, और यहां एक S ले लो आप, आपने पढ़ा अच्छे से, ये सेम फेज ओवरलैप अपन कराते हैं, ये 2p करा, और यहां से आपका सिग्मा SP बॉन्ड बनेगा। अब आप ये बताओ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है,
कौन वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, एसएस ओवरलैप वाला या एसपी? पहले ये क्लियर करो, कौन वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, एसएस वाला या एसपी वाला? पहले ये क्लियर करो मेरे, जल्दी। आयुष ने लिखा एसपी, अमित राज आर्य ने लिखा एसएस, प्रेमी सिंह एसपी, अभिषेक सिंह एसपी, आसिफ एसपी, सुरभि कश्यप एसपी, हर्ष एसपी, शिवेश एसपी, सलाउद्दीन एसपी, सारे लोग एसपी एसपी एसपी, एक बीच में निर्भय ने एसएस, सारे लोग एसपी आ रहे हैं एक तरफ से, 60-70 लोग सुपर एसपी लिख चुके हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी वेरी गुड, दैट एनर्जी लेवल आई नीडेड, वेरी गुड। डायरेक्शनल, इसलिए अनमोल ने बहुत सही जवाब दिया, क्योंकि पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल होते हैं इस वजह से वो ज्यादा होता। आसिफ अंसारी ने लिखा एसएस, सारे लोगों ने एसपी लिखा, 70-75 लोगों ने रिप्लाई किया, अब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, गुड। तो बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि ये बॉन्ड स्ट्रेंथ एसपी की ज्यादा होती है। तो आप एक बात देखो ना, अगर हम लोग मिथेन को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगा करके अपन फॉर्म करवाए, तो वीबीटी कहता है कि तुम जो मिथेन बनाओगे उसमें दो तरीके के बॉन्ड होंगे, एक बॉन्ड एसएस वाला और एक बॉन्ड एसपी वाला, और जो तेरा एसपी वाला बॉन्ड होगा दैट विल बी मोर स्ट्रॉन्गर, दैट विल बी ऑफ मोर स्ट्रेंथ देन एसएस वाले की तुलना। लेकिन आप मिथेन में ऐसा देखते नहीं हो, जरा सोचो मिथेन में आप देखते क्या हो, आप मिथेन में क्या देखते हो, चारों बॉन्ड एक तरह के। तो जब चारों सीएच बॉन्ड एक तरह के हैं, हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसको केमिस्ट्री ने एक्सेप्ट किया, हमने उस थ्योरी को ऑनेस्टली लगाया, तो व्हाट इज द हार्म नीड, क्या दिक्कत था, मैंने तो कोई गलती नहीं की, तो फिर ऐसा क्यों आया कि मिथेन के चार बॉन्ड जो चार तरह के होने चाहिए वो एक तरह के होने चाहिए, सॉरी चार तरह के होने चाहिए क्योंकि अलग अलग ओवरलैप, या चार तरह के नहीं भी बोलो, चलो दो तरीके के बोलते हैं हम लोग, एक एसएस वाला और एक एसपी वाला, तो दो तरीके के बॉन्ड्स होने चाहिए, एक बॉन्ड अलग स्ट्रेंथ का और बाकी तीन बॉन्ड अलग स्ट्रेंथ के, कहीं तो कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो गड़बड़ है जो हम मिस कर रहे हैं। पॉलिंग साहब इसी झमेले को देखो कैसे बचा रहे हैं, पॉलिंग कह रहे हैं कि भाई साहब ये तो एकदम तय है कि चारों बॉन्ड इक्विवेलेंट है, एक लाइन में सोचो, चारों बॉन्ड इक्विवेलेंट है मिथेन में, चारों बॉन्ड इक्विवेलेंट तब होगा जब चारों की ओवरलैपिंग एक तरह की हो, या तो सारे एसएस हो या सारे एसपी हो, एक तरह के हो। लेकिन आप जानते हो चारों एक तरह के हो नहीं सकते, क्योंकि चार 2p ऑर्बिटल है नहीं कार्बन के पास, तीन ही 2p ऑर्बिटल होते हैं। तो ऐसे केस में अब पॉलिंग कहते हैं देखो चारों बॉन्ड इक्विवेलेंट है ये तो तय है, सबकी बॉन्ड एनर्जी सेम है ये तो तय है, और चारों के टर्मिनल पर कार्बन हाइड्रोजन का 1s ओवरलैप किया ये भी तय है, इसका मतलब जरूर ऐसा हुआ होगा, जरूर ऐसा हुआ होगा। अपन जानते हैं कि इसका कोई सबूत नहीं है कि ऐसा हुआ होगा जो बोलने जा रहा हूं, लेकिन जरूर ऐसा हुआ होगा कि ये चारों आपस में इंटरमिक्स कर गए होंगे, वो ओवरलैप नहीं इंटरमिक्स कर गए होंगे, और इंटरमिक्स करके इन चारों ने इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स फॉर्म किए होंगे, सेम डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के ऑर्बिटल फॉर्म किए होंगे, सेम एंगुलर स्ट्रेंथ ओवरलैपिंग एबिलिटी वाले ऑर्बिटल फॉर्म किए होंगे, तभी तो ऐसा हुआ कि ये जब इनसे ओवरलैप करते हैं तो चारों बॉन्ड सेम है, आप इसको काट ही नहीं सकते, नकार ही नहीं सकते हो, यू कैन नॉट इग्नोर इट एट ऑल, तुम बोल ही नहीं सकते हो कैसा नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ तो फिर चारों बॉन्ड सेम कैसे होंगे। आपने तो वीवीटी को एक्सेप्ट किया खूबसूरती से कि वीवीटी में गड़बड़ी नहीं है भाई, वीवीटी वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, सही है, वो क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड है, वो सही है, वो वेव के कैरेक्टर को ओवरलैप करवा करके आपने वीवीटी डिफाइन किया था, वीवीटी में तो गड़बड़ी है नहीं। तो जब आप कह रहे हो कि वीवीटी में गड़बड़ी नहीं है, बावजूद इसके चारों बॉन्ड सेम है, इसका मतलब जरूर ऐसा हुआ होगा कि चारों ने आपस में इंटरमिक्स करके एक दूसरे को इक्विवेलेंट कर लिया होगा, और जब ये सो ओवरलैप करेगा तो चारों बॉन्ड्स भी इक्विवेलेंट प्रोड्यूस हुए होंगे। क्या ये बात समझ में आई चीजें? अब इसमें बहुत सारे पेच हैं, अब उन सारे पेच को एक एक करके खोलूंगा, अभी तो कहानी शुरू भी नहीं हुई, अभी देखो आगे आगे क्या होता है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फर्स्ट पेज का आ जाओ। अब
हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के पहले करवा ले। सेकेंड पेज। सो एक्सपेक्टेड फीचर्स इन CH4 अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड के। देखना बेटा, अब हम लोग नंबर वन इनऑर्गेनिक टीचर इन इंडिया कुमार मन्नू सर। अरे ना भाई, ऐसा मत बोलो प्लीज। अभी आपने देश देखा कहां? ठीक है, आपका प्यार है, बड़प्पन है आपका, लेकिन अभी आपने देश देखा नहीं। एक्सपेक्टेड फीचर्स इन CH4 अकॉर्डिंग टू VBT। ठीक से देखो, आपने क्या क्या, अब VBT में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो CH4 के बारे में। पहला पॉइंट, वन CH बॉन्ड शुड बी स्ट्रॉन्गर, अच्छे से देखना, देन अदर 3 CH बॉन्ड्स। ठीक है बेटा, बाकी के 3 CH बॉन्ड्स की तुलना में 1 CH बॉन्ड को आपने समझना है कि वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बाकी के 3 CH बॉन्ड से, जहां 1s2s2p ओवरलैप हुआ। ये अपनी बॉन्ड एनर्जी हो गई, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमने लिखा। पहला आप तो ये समझ ही चुके हैं कि ये क्यों हुआ, SS और SP के डिफरेंस की वजह से। सेकेंड पॉइंट पर आ जाओ, सेकेंड पॉइंट पर बॉन्ड एंगल को जरा गौर करो। 3 जो 2p से बॉन्ड बन रहे हैं, एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, और कह सकते हो 3 CH bonds आर एक्सपेक्टेड टू बी परपेंडिकुलर टू इच अदर। आप समझ पा रहे होंगे क्यों? एक दूसरे पर बेटा 3 CH bonds परपेंडिकुलर होने चाहिए। वजह इसके देखो क्या, आपका ये कार्बन 2px है, ये 2py है, और 2pz अपना परपेंडिकुलर है बोल्ड पर। तो जरा सोचना बेटा, ये एक्स एक्सिस पर ओवरलैप होगा, और ये 1s है, ये जैसे हो यहां 1s है, और ये वाई एक्सिस पर ओवरलैप है। तो आपने ये एंगल तो समझना चाहिए ना कि 90 डिग्री होनी चाहिए। तो 3 CH बॉन्ड का एंगल एक दूसरे पर 90 होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इसीलिए अपनी एक्सपेक्टेशन है कि 3 CH बॉन्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू इच अदर। हमारी एक्सपेक्टेशन इसी वजह से ये है कि 3 CH बॉन्ड्स एक दूसरे पर, मतलब एंगल होने चाहिए 90 डिग्री। आप जानते हो कि प्रैक्टिकली ना ये सही है ना ऐसा होता, दोनों में से कोई चीज नहीं होती, लेकिन हमने पहले VBT को लगा के देखना है कि अपने वाले में प्रॉब्लम क्या है, क्यों हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत है, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट को क्यों इतनी तवज्जो मिली। वो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट जो 1931 में आया, वो 1931 से ऑलमोस्ट 2031 जाने वाला है, मतलब 100 साल तक आ रहा है। सब जान रहे हैं हाइपोथेटिकल है, फिर भी पढ़े जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं भाई साहब। सब जान रहे हैं, होता नहीं है, फिर भी नहीं रुक रहे हैं। ये कंप्लीट ना पूरे तरीके से ना अपने साइंस में भगवान की तरफ, गॉड का जो कॉन्सेप्ट होता है, किसी ने देखा नहीं है, किसी ने मुलाकात नहीं की है, किसी के पास बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि ये होते हैं, इनका आकार क्या है, क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे, बावजूद उसके अपन कंसीडर करते हैं उस हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट को, इमेजिनेशन को, क्योंकि उसको बस ले लेने ही चीजें से, उसको कंसीडर कर लेने से बहुत सारी उलझी चीजें सुलझ जाती हैं। तो फिर कंसीडर करने में क्या हार्म है, सोचो। कई बार कोई हॉस्पिटल में डेड घोषित कर दिया गया, फिर भी पता चलता है कि हमने उसको डेड कंसीडर कर लिया, फिर वो जिंदा बच गए, आ गए, सांस आ गई, जान आ गई उसमें, एंड डॉक्टर वाज सेइंग गॉड्स ग्रेस।
तो आखिर इसमें कुछ तो लॉजिक रहा होगा, बायोलॉजिकली कुछ लॉजिक रहा होगा इसका, कुछ तो उसमें रीजन होगा छुपा, लेकिन अपन एक्सप्लेन नहीं कर पाए उस रीजन को, तो नहीं एक्सप्लेन कर पाए तो हमने एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट का सहारा ले लिया, गॉड्स ग्रेस, ईश्वर की कृपा है, हमने बोल दिया जाको रखे साइया मार सके ना कोई। तो अपन जब एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कोई चीज को, तो बराबर ऐसा होता है कि हाइपोथेटिकल चीजों का सहारा लेते हैं। सोचो तो हाइब्रिडाइजेशन इज लाइक दैट। फिर इस चीज को किसी ने कुछ लिखा है सर, पॉइंट फर्स्ट वाले में तो वन सी एच बॉन्ड इज वीकर देन अदर थ्री सी एच बॉन्ड, हाँ वही तो मैं बोल रहा हूं ना, एक सी एच बॉन्ड वीकर है अदर थ्री से, वन सी एच बॉन्ड शुड बी, ओ सॉरी 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 स्ट्रॉन्गर लिख दिया मैंने, सॉरी वीकर लिखना था यार, सॉरी, तीन बाकी तीन सी एच बॉन्ड से जो है एक सी एच बॉन्ड को आपको वीक होना पड़ा, थैंक यू आदर्श, ध्यान दिया आपने बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से कंसिडर किया, अब चलो ये दो पॉइंट, तीसरा बेटा एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होते हैं, तो दो एस को सोचो और पी वाले ओवरलैप को सोचो, आराम से सोचो, ये कार्बन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगाता है, अभी हाइब्रिडाइजेशन हमने इंट्रोड्यूस भी नहीं किया, ठीक है, नीड अभी समझना चाह रहे हैं, ये कार्बन का 2s ऑर्बिटल है, ये x एक्सिस पर 2px, ये y एक्सिस पर 2py और आपके तरफ ये परपेंडिकुलर 2pz, अब चार हाइड्रोजन के 1s आएंगे, अब सोच px पे तो बेटा इधर से अटैक करेगा, py पे इधर से अटैक करेगा, PZ पे इधर से अटैक करेगा, ओवरलैपिंग होगी, तो तीन एंगल तो यहाँ 90 दिख रहा, लेकिन SS ओवरलैप तो नॉन डायरेक्शनल होना चाहिए, क्योंकि ऐसी नॉन डायरेक्शनल है, तो एक स्फेयर दूसरे स्फेयर पर कहीं भी टच करेगा, कोई डायरेक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, ये जो स्फेयर है 2S वाला, इस पर 1S कहीं से भी अप्रोच करेगा, वो तो नॉन डायरेक्शनल होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब चार सी एच बॉन्ड्स में से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अगर अपन कंसीडर करें तो एक सी एच बॉन्ड को नॉन ट्रेसेबल होना चाहिए ड्यू टू नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ एस ऑर्बिटल, एक को नॉन ट्रेसेबल होना चाहिए कि हम उसको आसानी से खोज ना सके, बाकी तीन के रिस्पेक्ट में जिसका अपने को पता है कि ढूंढने जाओ तो एक्स पे ही मिले, ढूंढने जाओ तो वाई पे ही मिले, ढूंढने जाओ तो जेड पे ही मिले, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या लिखते हैं, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा तो अब लाइक कर सकते हो, अगर अभी भी नहीं समझ में आ रही चीजें तो अभी भी वेट करो, मैं कभी नहीं बोलता हूं कि लाइक करो जब तक कि किसी भी टीचर्स के वीडियो अच्छे ना लगते हो, लेक्चर अच्छे ना लगते हो, पहले नहीं, ठीक है, वेट कर लो, अगर अब लग रहा है कि नई चीजें समझ में आ रही है तो ठीक है आप कर सकते हो, यू मे। तो आता हूं यहां पर, क्या लिखा मैंने, वन सी एच बॉन्ड इज एक्सपेक्टेड टू बी, एक सी एच बॉन्ड को ऐसा होना चाहिए कि वो नॉन ट्रेसेबल होना चाहिए ड्यू टू नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल 1s 2s ओवरलैप वाला बॉन्ड जो है ये वाला, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ये पॉइंट्स है। अब चलिए ऑब्जर्व, जो ऑब्जर्व है CH4 में वो क्या ऑब्जर्व है, अच्छे से देखो, पहला पॉइंट, ऑल CH4 ऑल CH बॉन्ड, ऑल फोर CH बॉन्ड्स आर ऑब्जर्व टू बी आइडेंटिकल, ऑब्जर्व टू बी आइडेंटिकल, दैट इज सेम बॉन्ड एनर्जी, चारों की सेम बॉन्ड एनर्जी अपन को दिख रही है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मतलब आप यहां पे कहीं ना कहीं गड़बड़ है, दूसरा पॉइंट ऑल एक्स सी एच बॉन्ड एंगल्स आर कितना है बेटा 109 डिग्री 28 मिनट ऑलमोस्ट 109.5 डिग्री 100.9 जिसको आप बोलते हो, तो बॉन्ड एंगल वाला भी एक्सप्लेन नहीं हो पाया। और तीसरा ऑल फोर सी एच बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल, चारों के चारों सी एच बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल, चारों के चारों सी एच बॉन्ड्स डायरेक्शनल है। तो आपने एक्सपेक्ट किया कुछ और, ऑब्जर्व है कुछ और, अब इंट्रोड्यूस करना है अपने को हाइब्रिडाइजेशन इंटरमिक्स करके, इक्विवेलेंट करके, और दिखाना है कि कैसे ये तीनों चीज अब हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू एक्सप्लेन होती है। और अभी ये सी एच फोर एग्जाम्पल लिया, अब अपन अगला एग्जाम्पल इसको डील करने के बाद लेंगे अमोनिया, और फिर उसमें कोई नया प्रॉपर्टी, कोई नया
फीचर अपन उसको कंपेयर करने वाले। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं उसको देखता हूं। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका। अब सोचो कि पॉलिंग वाकई कितना उन्होंने कॉन्सेप्ट किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया कि एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट को आप इतना ब्यूटीफुली डिजाइन कर रहे हो, उसके बारे में एक एक पॉइंट बोल रहे हो, और ये सिर्फ महज किस लिए बोल पा रहे हो? इसलिए बोल पा रहे हो क्योंकि आप जानते हो कि डेटा वाइज चारों बॉन्ड्स इक्विवेलेंट है हर मामले में, ठीक है? बस इस वजह से आप बोल पा रहे हैं। एक तो ऑनलाइन क्लासेस में क्या विनोद बाबा आ गए हैं कि कोई भी नए सब्सक्राइबर लोग कहीं कुछ आते हैं और ये विनोद ले आते हैं, हा? अरे भाई साहब, विनोद वाले लोग, दूसरों को पढ़ाई करने देना यार, क्या जा रहा है? अगर कोई अच्छा करे, कल को अच्छा इंजीनियर बन जाए, अच्छा डॉक्टर बन जाए, बड़ा हॉस्पिटल खोलेगा, तो तेरा इलाज भी तो लोग फ्री में करेगा। जो तुम मानसिक रूप से बीमार होके आ गया है और एकदम लाइव क्लासेस में बता विनोद विनोद कर रहे हो तुम लोग, तो बेटा पढ़ने दे इन लोगों को। डॉक्टर बन गया तो कहीं तुम्हारा इलाज फ्री में हो जाएगा, इंजीनियर अगर बन गया ये तो अच्छी सी नौकरी तुमको मिल जाएगी, तो तू क्या तेरे जैसा 2-4 हज़ार और विनोद फ्री में जॉब पा लेगा? तो जो जॉब गवर्नमेंट दे नहीं पा रही है वो जॉब्स ये क्रिएट कर सकते हैं विनोद लोगों के लिए, तो इनको काम करने दे बेटा, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। कहां से आ गई नए नए मार्केट में विनोद, पता नहीं यार ये है कौन विनोद। किसी दिन मेरे से मिले तो फिर मैं बताऊं उसको कि यार तू मेरी क्लास बहुत डिस्टर्ब करता है विनोद। नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये चीजें गलत है। किसी के नाम, कोई स्पेसिफिक नाम जो है वो देश में लाखों लाखों लोग के हो सकते हैं, हजारों लोग के हो सकते हैं, ठीक है? तो ये बेटा गलत चीज है। कोई भी अगर करते हो, आप ही के रिलेटिव में किन्हीं का नाम अगर विनोद हो, सोच लो। और अगर बार बार आप इस चीज को गलत तरीके से प्रेजेंट करते हो, ऐसे बोलते हो, हंसी मजाक में बोलते हो, तो सोचो वो तुम्हारा हर्ट हो सकता ना, वो हर्ट हो सकता है। आपको याद होगा वायरल चीजों का तो कोई हिसाब नहीं होता है, इट इज कम्प्लीटली बेसलेस और इलॉजिकल। लोग कुछ भी लेकर के चीजों को वायरल कर लेते हैं, अच्छी चीजें कम वायरल होती है, बुरी चीजें गंदी चीजें ज्यादा वायरल होती है, हम लोग देखते हैं ऐसा सोसाइटी में बराबर होता है। तो एक ना वो मैं गौर बहुत ज्यादा करता हूं, एक कुछ कोई सॉन्ग आया, हिंदी सॉन्ग आया एक समय में, वो सीला वाला, आपको भी याद होगा, कोई बोलना जरूरी नहीं है, सब जानते हैं शीला वाला जो सॉन्ग था। अब सोचो उससे वो शीला नाम की कितनी लड़कियां होंगी, अब लोग बोलते हैं तो उनको कैसा फील होता होगा उस समय। तो हमने उस समय में पढ़ा, मेरे को अच्छे से याद है कि शीला नाम की इस लड़की ने बार बार किसी के द्वारा ये बोलने से उसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। अब बेटा सोच तो, तेरे मजाक की वजह से किसी पर क्या गुजर सकते, किसी की दिन दुनिया उजड़ सकती। यही अभी कुछ दिन पहले की बात है, 1-1.5 साल पहले की बात है, कोई एक लाइन चला किसी नोट पर, सोनम गुप्ता बेवफा है, ऐसा करके किसी बच्चे ने, किसी ने अपने मजाक में लगाया। अब इस चीज का इंपैक्ट सोचो सोसाइटी में क्या होगा, हमारी बहनें हो सकती हैं उस नाम की, अब लोग बार बार उसको रिपीटेडली बोल रहे हैं, चिहा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। फिर हमने पढ़ा, कई गौर करते रहता हूं, मेरे दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से वो बैठा हुआ, हमने पढ़ा कि बात इरिटेशन की वजह से सुसाइड कर लिया किसी सोनम लड़की ने। तो ऐसे बहुत एग्जांपल मेरे तक एकाद पहुंचते होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है सोसाइटी में आपके मजाक की वजह से। तो ऐसा काम ना करें, आपके घर में भी उस नाम की लड़कियां हो सकती हैं, उस नाम का भाई हो सकता है। सोसाइटी में सबसे पहले सोसाइटी स्ट्रक्चर होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी जो स्ट्रक्चर्ड होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से। अगर ये जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डिसिप्लिन अगर ये नहीं है ना, तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि आपको एक स्वस्थ समाज मिलेगा। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ हेल्दी सोसाइटी फॉर यू, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप जीवन भर यही बोलते रह जाएंगे, अमेरिका में ऐसा होता है, इंडिया में ऐसा क्यों होता है? भाई उसके लिए तू जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार है, कोई अमेरिका वाले इंडिया वाले जिम्मेदार नहीं है, हम और तू जिम्मेदार है। तो ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
डिसिप्लिन को समझनी चाहिए। हम सर वीडियो में कुछ आगे पीछे हो रहा है, तो आप एक बार बैक करके दोबारा कनेक्ट कर लीजिए। क्या बाकी लोगों का भी ब्लर हो रहा है? क्या बाकी लोगों का ब्लर नहीं हो रहा ना? ब्लर हो रहा है? नो सर, नो सर, नहीं हो रहा ब्लर। जिनका बेटा हो रहा है ना, वो एक बार बैक जाओ फिर से रिकनेक्ट कर लो। तो ना अब हम ये कह रहे थे आपसे कि आप रिस्पॉन्सिबल होइए और डिसिप्लिन होइए, ये दो चीजें बहुत जरूरी है। आप किसी, आप अपने आप को एग्जांपल लीजिए ना, आप किसी सरकारी वॉशरूम में जिसको सरकारी शौचालय बोलते हैं आप कभी जाते हैं और देख लेते हो वहां की स्थिति, तो आकर के ना बहुत गाली देते, बहुत उल्टा पुल्टा हम लोग बोलते हैं घर में बैठ के, अरे सरकार ये है, सरकार निकम, सरकार कौन है, सरकार कौन है? आप हैं, हम हैं, आप ही हम चुनते हैं किसी व्यक्ति विशेष को, आपके और हमारे परिवार के लोग ही वहां पहुंचते हैं, तो जिम्मेदार कौन है? किसको डिसिप्लिन होना है? किसको सड़क किनारे यूरिन पास आउट नहीं करना है? आपको, हमको, हमारे सोसाइटी के लोगों को, और रोकना भी किसको है? आपको, हमको। हम ना रोकते हैं, ना खुद को रोकते हैं, ना दूसरे को रोकते हैं, और उम्मीद क्या करते हैं? बिना हाइब्रिडाइजेशन वाला केमिकल बॉन्ड एक्सप्लेन हो जाए, नहीं होगा फिर, नहीं होगा फिर। आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स लेने होंगे, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट लेने होंगे, काश हम भी अमेरिका जैसे ऐसे हो जाते तो हाइपोथेटिकल ही रह जाएगा। आपको एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बनाना पड़ेगा जो हाइब्रिडाइजेशन का सब्स्टिट्यूट होगा, जहां हाइपोथेटिकल चीजें नहीं आएंगी, दूसरों का एग्जांपल मान लो ऐसा नहीं आएंगे चीजें, हम वो डिजाइन करेंगे। तो आपको खुद से शुरू करना है, खुद को डिसिप्लिन में लाइए, और दूसरा अगर नहीं है तो प्यार से समझा दीजिए, नहीं माना तो नहीं माना, इसका यह मतलब नहीं है कि आप भी ना माने। आप खुद सब्जी दुकान पर जाते हो पॉलीबैग मांगते हो, भारी लग रहा है, दूध दुकान पर जाते हो पॉलीबैग मांगते हो कि भैया एक दे दो, और आप उम्मीद करते हो कि पॉल्यूशन फ्री हो, बाढ़ ना है, भूकंप ना है, अर्थक्वेक ना है, कैसे? नहीं है पॉसिबल, नहीं है पॉसिबल। तो आप झोला लेके जाओ सब्जी लेने, कैरी बैग लेके जाओ अपने पास सब्जी लेने के लिए, और सब्जी वाला जब दे, मैं ऐसा करता हूं थोड़ा बहुत, तो जब सब्जी वाला कभी देता है ना ऐसा कुछ, ऐसा ऐसी चीजें देता है, तो मैं वो बैग ऐसे बनाता हूं कि, और बोलता हूं कि प्लास्टिक क्यों रखते हो यार, बैन है। सर यहां कोई सुनता थोड़ी ना है, सब मांगता है, फिर वही सब मांगता। तो भैया यही पॉइंट है, हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि नहीं ये गलत बात है, आप चलिए छोड़िए, मेरे को बैग में दीजिए, मेरे कैरी बैग में दीजिए, तो मैंने उसमें ले लिया। हो सकता है आपको ऐसा बोलते हुए उस दुकान पे किसी ने सुना और उसके दिमाग में वो बातें अटैक कर गई हो, और बेटा वो क्या कर ले, इस चीज को ऑप्ट कर ले कि कल से मैं भी बैग लेके जाऊंगा। हो सकता है ऐसा करे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? हमारी। और आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके नहीं, तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि सोसाइटी अच्छा हो, सोसाइटी का बेटरमेंट हो। डिसिप्लिन तो खुद होइए। बेटा गेमर, मैं आपको ब्लॉक कर रहा हूं, पहला ये स्टूडेंट है जिसको मैंने ब्लॉक किया यूट्यूब पे, सिर्फ पहला स्टूडेंट आज तक इतने दिन में जिसको मैंने ब्लॉक किया, और क्यों किया इसको बेटर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं, पेज नंबर 5। तो अब ओवरलैपिंग, यहां पे पहले पॉइंट लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वेव्स इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। अच्छे से देखो, रिपेलिंग ईच अदर, सो ओरिएंट देमसेल्व्स एट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंसेस, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंसेस पर वो एक दूसरे को ओरिएंट करेंगे, रिजल्ट्स डेवलपिंग
मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उससे एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे टेट्राहेड्रल लिया गया sp3 के लिए, ये ले लो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अच्छे से देखना ये चार, ठीक है। अच्छा पेज नंबर 4 है, गुड। अब यहां पर चारों ऑर्बिटल क्या है, दीज ऑल 4 ऑर्बिटल्स आर sp3। अब यहां पे कौन ओवरलैप करेगा इसको, 1s। अब देखो ये हाइब्रिडाइजेशन हमने लगाया है, ये लो। अब ये कौन सा ओवरलैप है अच्छे से देख लो, तो बेटा ये एक्सियल ओवरलैप है, इसीलिए बॉन्ड कैसा बनेगा, सिग्मा, कौन सा 1s sp3 बॉन्ड। और इसके लिए इन्होंने एंगल क्या अज्यूम किया, तो sp3 जैसे pxpypz के लिए क्या है 90 डिग्री, वैसे sp3 ऑर्बिटल्स के लिए क्या अज्यूम किया गया है 109 डिग्री 28 मिनट, ये अज्यूम कर लिया गया। तो यहां से आपके 4 CH बॉन्ड्स बन गए, और सारे सिग्मा 1s sp3 ओवरलैप से, ये आपका ओवरलैपिंग डायग्राम हुआ, ओवरलैपिंग डायग्राम। ये आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, ये आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। तो आपने क्या देखा, एक इमेजिनेशन वाला कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन लेके सेंट्रल एटम के सारे ऑर्बिटल को इक्विवेलेंट करके ओवरलैपिंग को हमने इक्विवेलेंट दिखा दिया, और इस तरह से बॉन्ड को हमने इक्विवेलेंट बना दिया। तो एक छोटा सा मामूली सा कॉन्सेप्ट हमने डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया, हाइब्रिडाइजेशन का, जिसमें बॉन्ड्स इक्विवेलेंट हो जाते हैं, ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट हो जाते हैं, उसकी वजह से बॉन्ड्स इक्विवेलेंट होते हैं, सारे बॉन्ड्स डायरेक्शनल है। तो अब पॉइंट वाइज आ जाओ, सबसे पहला पॉइंट मेरे को ये लिखाओ, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एटॉमिक हुए या मॉलिक्यूलर। माय क्वेश्चन इज दैट, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर इन नेचर, रिप्लाई इट फर्स्ट। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर, जल्दी, ईगरली वेटिंग ऑफ रिप्लाई, योर रिप्लाई। प्रिंस राज ने लिखा मॉलिक्यूलर, हर्ष प्रताप ने लिखा एटॉमिक, सौरभ ने लिखा मॉलिक्यूलर, सम्स अगेन, अगेन क्या होता है भैया, रविराज मॉलिक्यूलर, सौरभ राज एटॉमिक, महमूद मॉलिक्यूलर, कुमार रणवीर मॉलिक्यूलर, सौरभ राज एटॉमिक, अयान अथर्व एटॉमिक, साक्षी राज एटॉमिक, एटॉमिक मॉलिक्यूलर, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मिक्स होकर जवाब आ रहा है। मैं जानता हूं बेटा, मैं अच्छे से जानता हूं, समझ सकता हूं कि आपके दिमाग में क्या चीजें चलती हैं, ऐसे थोड़ी ना पढ़ाते पढ़ाते 17 साल गुजार दिए हैं। एटॉमिक मॉलिक्यूलर चल रहा है, 70-75 लोगों ने तकरीबन अब तक जवाब दिया है, चला जा भाई। ये बता, मैंने उतने अच्छे से तो तेरे को एग्जांपल दिया था कि आपके पास अलग अलग फ्रूट्स होते हैं, दूध के साथ मिला करके उसका जूस सिरप तैयार करने जाते हो, तो जब तैयार करते हो तो क्या उससे एनर्जी बन जाती है, डाइजेशन हो जाता है, वो तो बाद का प्रोसेस है, वो तो ओवरलैपिंग आ गया है। ये प्रोसेस क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच आपस में एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट करके सबको एक तरह के बनाने का है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो इसके बाद आएगा ना, ओवरलैपिंग के बाद में बनेगा वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनेंगे, बॉन्ड कब बनेगा, ओवरलैपिंग के, ओवरलैपिंग वाली चीजें है ना वो। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर एटॉमिक, 100% एटॉमिक, सौरभ राज ने लिखा, वेरी गुड। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर एटॉमिक नॉट मॉलिक्यूलर इन नेचर, वेरी गुड।
हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर एटॉमिक नॉट मॉलिक्यूलर इन नेचर। यही आपका कंफ्यूजन क्लियर करना है मेरे को, क्योंकि अगर आपसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करें तो आप बहुत सारी चीजों को गलत कंसीडर करके इनऑर्गेनिक में आगे बढ़ जाओगे। वेरी गुड, अब आ रहा है सबका। मेरा अगला सवाल है, पहले हैबिट, क्योंकि देख ये ओवरलैपिंग है, हाइब्रिडाइजेशन और ओवरलैपिंग अलग अलग चीज है। आप लिख सकते हो क्यों ऐसा, एज हाइब्रिडाइजेशन इज इंटरमिक्सिंग, हाइब्रिडाइजेशन इज इंटरमिक्सिंग नॉट ओवरलैपिंग। हाइब्रिडाइजेशन बेटा ओवरलैपिंग नहीं है, ये इंटरमिक्सिंग है। ओवरलैपिंग से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आते हैं, इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर एटॉमिक इन नेचर। भाविया शर्मा, वीडियो लैग हो रहा है, बाकी लोगों का नहीं हो रहा बेटा, इसलिए आप एक बार बैक जाओ और दोबारा से कनेक्ट कर लो, वो सही हो जाएगा। चलो मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे, पहले हाइब्रिडाइजेशन होगा या पहले ओवरलैपिंग होगी, पहले कौन सा प्रोसेस होगा, हाइब्रिडाइजेशन या ओवरलैपिंग? सोचो सिंपल, पहले कौन सा प्रोसेस होगा, हाइब्रिडाइजेशन या ओवरलैपिंग? सम स्तब्रे ने लिखा हाइब्रिडाइजेशन, जाहिर सी बात है लोग हाइब्रिडाइजेशन नहीं लिखेंगे, फिर भी देख ले रहा हूं। भगत रॉय ने लिखा ओवरलैपिंग, हाइब्रिडाइजेशन। राहुल कुमार ने लिखा ओवरलैपिंग, प्रिंस राज हाइब्रिडाइजेशन, भास्कर झा हाइब्रिडाइजेशन, रिद्धि सिद्धि कुमारी हाइब्रिडाइजेशन, सर ने हर्ष प्रताप ने लिखा सर आपने पढ़ाया था एक साथ होगा, कुछ ऐसा लिखा है क्या, हाइब्रिडाइजेशन 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 हाइब्रिडाइजेशन। अभिषेक ने लिखा ओवरलैपिंग, महबूब हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन, सारे लोग हाइब्रिडाइजेशन। जाहिर सी बात है आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है, इसीलिए आपने बोला कि हाइब्रिडाइजेशन होगा पहले। आप लोग ये प्रॉब्लम है बेटा, फील नहीं करते हो चीजों को उस हिसाब से। जब ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है तो पता कैसे चला कि पहले वो भी होगी फिर ये होगी, सिंपल सा लॉजिक है। यदि कोई चीज पहले और दूसरी घटना उसके बाद हो तो बेटा एक टाइम गैप शुड बी डिफाइंड, वहां पर एक टाइम गैप डिफाइन होना चाहिए। अगर आप कह सकते हो दावे से कि ये पहले और ये बाद में हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन आप खुद बोलते हो हाइपोथेटिकल है, हाइब्रिडाइजेशन आप खुद बोलते हो हाइपोथेटिकल है कि सर ये नहीं होता, तो साइमल्टेनियसली एक साथ होगा ना, क्योंकि वहां कोई टाइम गैप डिफाइन नहीं होगा, एक साथ होगा हाइब्रिडाइजेशन ओवरलैपिंग। अब चल मैं एक चीज और पूछता हूं, चलो हाइब्रिडाइजेशन और ओवरलैपिंग एक साथ होगी, लेकिन अब मेरा सवाल है ओवरलैपिंग हाइब्रिडाइजेशन एक साथ, मेरा सवाल है एक्साइटेशन होगा पहले या पहले ओवरलैपिंग होगी, सोच के जवाब दे। अब एक्साइटेशन ओवरलैपिंग मैं पूछ रहा हूं, एक्साइटेशन होगा पहले या ओवरलैपिंग होगी पहले, एक्साइटेशन होगा पहले या ओवरलैपिंग होगी पहले, अब उसका जवाब दे मेरे को, एक्साइटेशन या ओवरलैपिंग पहले। हाइब्रिडाइजेशन इज एस लिखा मैंने, मैंने बोला क्या सब्जेक्ट दोनों चलता है, इन ना तो एक्सोथर्मिक है और ना ही इंडोथर्मिक है। क्यों, अगर ये एक्साइटेशन होता तो इंडो होता, अगर ये ओवरलैपिंग होती तो एक्सो होती, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज इंडोथर्मिक, हम लोगों ने पढ़ा है, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है, इसलिए कुछ नहीं होगा। एच ना तो ये एक्साइटेशन है जो कि इंडो होता बेटा, और ना ही ये ओवरलैपिंग है जो एक्सो होता है दोस्त, तो हाइब्रिडाइजेशन दोनों में से कुछ नहीं। चल हम लोग ना एक एग्जांपल लेते हैं, लेट फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फिर धीरे 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 हम लोग और भी पॉइंट्स हाइब्रिडाइजेशन में लाएंगे। देखो अपन एग्जांपल से सीख रहे हैं, हम लोग एग्जांपल से सीख रहे हैं। यस पेपर बैंड ने हेलो लंबा किया है, ओ लंबा जोड़ा है। सम्स तब्रेज, क्लास की टाइमिंग क्या है, वो तो आप इस बैच के हैं तो बेटा आपको पता होना चाहिए। आप कैसे हो आप सब, बेटा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना ले और सब पूछते रहे कि कैसे हैं एक दूसरे सब लोग। तो चला जाए, अब एक फॉर्मेशन हम लोग लेते हैं, अमोनिया का फॉर्मेशन हम लोग करते हैं।
अच्छे से देखो और अब समझ में चीजें आ रही तो लाइक्स दबाते चले जाओ। अब फिर से अमोनिया हम लोग अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगाते हैं, ठीक से देखते जाए, फिर एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व दोनों लगाते, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सपेक्टेड क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट होंगी, जरा आ जाओ पॉइंट पे, थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं। तो आप ऐसे बनाते हो बेटा, तो आप क्या लोगे 2s2 2p3, आप एक्साइटेशन में इसको लेने जा रहे हो, ठीक से देखो, ठीक से देखो। तो पहला पॉइंट px py pz एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, तो थीटा एक्सपेक्टेड 90 डिग्री, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बॉन्डिंग की 90 डिग्री। अब ये लोन पेयर कौन सा, 2s लोन पेयर, ठीक से देख, 2s ऑर्बिटल लोन पेयर। अब आप याद करो अच्छे से, आपको मैंने पढ़ाया है, दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी वेरी वीकली बेसिक, वेरी वीकली बेसिक। अब ये पॉइंट को जरा ध्यान दो, मैंने आपको पढ़ाया था कि कोई भी लेविस बेस, कोई भी ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस डिसलाइक किस लिए, क्या किसी ने लिखा डिसलाइक किस लिए, डिसलाइक अगर नहीं पसंद आते हो तो डिसलाइक करो, इसमें क्या प्रॉब्लम है, बॉस इज ऑलवेज राइट, डिसलाइक 100, क्या क्या लिखे हो प्लीज रिकॉर्ड बेटा, प्लीज की स्पेलिंग तो सीख ले तब डिसलाइक करना, पहले प्लीज की स्पेल सीख ले, और नहीं किसी को अच्छा नहीं लगेगा तो डिसलाइक करेगा और क्या, ठीक है। और ऐसे लोगों को एकदम करना चाहिए, ऐसे लोगों को हम ब्लॉक भी नहीं करते हैं, क्योंकि आपको अगर कोई नहीं पसंद करता है डिसलाइक करना उसका अधिकार है, एकदम करे, ठीक है, चला जाए। तो मैंने बोला कि कोई लोन पेयर है, कोई भी लोन पेयर का बेसिक स्ट्रेंथ दूसरे को देने की टेंडेंसी हमने आपको पढ़ाया था कि कब ज्यादा होता है, कब ज्यादा होता है, जब उसमें डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा होगा लोन पेयर में या कम, जरा सोच, आराम से सोच, मैंने पढ़ाया फिर भी मैं पूछ रहा हूं एक बार, कोई भी लोन पेयर दूसरे को जो कोऑर्डिनेट करेगा, तो ये कोऑर्डिनेशन एबिलिटी जो होती है, ये जो डोनेशन एबिलिटी होती है, जो बेसिक नेचर होता है, बेसिक स्ट्रेंथ होता है लोन पेयर का, ये बेटा कब ज्यादा होता है, एस कैरेक्टर ज्यादा होने से या पी कैरेक्टर ज्यादा होने से, कौन कैरेक्टर ज्यादा होने से उसमें ज्यादा होता है बेसिक स्ट्रेंथ, जरा सोच के जल्दी जवाब दे, जल्दी, गेट इट फास्ट। नहीं सर हम डिसलाइक नहीं करेंगे, थैंक यू, यस, मेरे को लगा आप डिसलाइक करना चाह रहे हो, नहीं दो नहीं सौ बार, हाँ जल्दी से। मैंने पूछा कि किसी लोन पेयर के डोनेशन एबिलिटी कब ज्यादा होती है, कौन सा कैरेक्टर ज्यादा होने से देने की टेंडेंसी कब ज्यादा होती है, रविराज ने लिखा पी कैरेक्टर, सौरभ कुमार ने लिखा एस कैरेक्टर, सोच सोच सोच, कुमारी स्तुति ने लिखी है, लिखा है एस कैरेक्टर, अली अहमद एस, कन्हैया पी, शिशुरंजन पी, प्रिंस एस, सौरभ एस, प्रवीण चौरसिया पी, सुरभि कश्यप पी, सुभाष राज एस, सलाउद्दीन एस, रंजीत पी, इंतकाब आलम पी, यस पेपर पी, ज्यादातर लोग पी लिख रहे हैं लेकिन एस वाले लोग भी अच्छे खासे हैं, हर्ष प्रताप पी, अभिनव तुम्हारे जवाब का वेट कर रहा हूं, सौरभ राज पी, ज्यादा लोग पी आ रहे हैं, अभिनव ने भी लिखा पी, वेरी गुड, सब लोग नीचे पी आ रहे हैं, शुरू में कुछ लोगों ने एस लिखा था, पी ड्यू टू डायरेक्शनल, वेरी गुड शिशुरंजन, बहुत बढ़िया, तब इनके भाई साहब आईआईटी ने देखे तो इसमें भी कैरेक्टर देखे गए, इसी को इंटरमिक्सिंग हाइब्रिडाइजेशन बोला गया शास्त्रों में, देखो कैरेक्टर अपना छोड़ के गया है, देख ठीक से बेटा, कोई भी लोन पेयर अगर हो तो ये जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है लोन पेयर की, लोन पेयर डोनेशन एबिलिटी जिसको बोलते हैं किसी लेविस बेस की, जो किसी को ट्रांसफर करना है ये पेयर, कोई लेविस असीप जो ले, तो इसके लिए जरूरी है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लोन पेयर एस कैरेक्टर कम हो, क्योंकि एस तो पेनिट्रेटेड ऑर्बिटल है, अगर एस कैरेक्टर उस पेयर में ज्यादा हुआ तो वो होल्ड करके रखेगा एटम अपने पास, डोनेशन या ट्रांसफर एबिलिटी कम हो जाएगी, सोचो सही है। और पी कैरेक्टर ज्यादा हो डायरेक्शनल, जितना ज्यादा ऑर्बिटल डायरेक्शनल होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पर जाएगी और ट्रांसफर करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, उसमें फ्लो इलेक्ट्रॉन फ्लो टेंडेंसी ज्यादा होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा तो लाइक करते जाओ वीडियो को,
चलो आज तो आपने हमने बोला कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कह रहा है, ये 2s लोन पेयर है, तो अपन उम्मीद करते हैं कि अमोनिया काफी वीक बेस हो, अपन उम्मीद करते हैं कि अमोनिया वीक बेस हो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सोचो क्यों हाइब्रिडाइजेशन हाइपोथेटिकल हो करके भी हम उसकी पूजा ना करें, क्योंकि वो अमोनिया को स्ट्रांग बेस साबित करता है। ये बेचारे जो सही थियरी है वैलेंस बॉन्ड थियरी, इन्होंने तो अमोनिया को मजबूर कर दिया वीक बेस बनने के लिए। ठीक है, जेई रैंक 6625 सत्यम कुमार जेई रैंक 625, ये लास्ट ईयर वाले सत्यम कुमार हो क्या आप? ये सत्यम कुमार हैं या कोई और है? चला जाता तब तक को रिप्लाई करना, ध्यान दे। अब लेकिन ऑब्जर्व में क्या है NS3 में? सबसे पहले बॉन्ड एंगल को ले ले, तो एंगल 107.1 107.1 है, मतलब ऑलमोस्ट 109 है, ठीक से देखो। और सेकंड देखो बॉन्ड एंगल ऑब्जर्व कुछ और है और एक्सपेक्टेड कुछ और है। और सेकंड आते हैं हम लोग, उसकी बात करते हैं किसकी, बेसिक की। NS3 इज स्ट्रॉन्गली बेसिक, अमोनिया स्ट्रॉन्गली बेसिक है, तो क्या एक्सपेक्टेड से फिर मैच किया? नहीं किया। एक्सपेक्टेड से एंगल भी मैच नहीं किया ऑब्जर्व्ड का, और बेसिक नेचर भी मैच नहीं किया इंट्रोड्यूसिंग हाइब्रिडाइजेशन। या सीधा लिखोगे सो NS3 हैविंग नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, NS3 हैविंग नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, NS3 को हाइब्रिडाइजेशन की बेटा जरूरत है। अच्छे से देखो तो हाइब्रिडाइजेशन करवा दो ना, करवा दो, ये लो 2s 2p 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 करवा दो। चलिए ले 2px 2py 2pz 2s। अब बेटा अपना जो चारों ऑर्बिटल आएगा वो sp3 आएगा, चारों ऑर्बिटल्स जो अपने आएंगे sp3 आएंगे 25% s और 75% p के साथ, पेयर को देखते जाओ। अब जो आपका अमोनिया बनेगा, ये जो बॉन्ड बनेगा, अच्छे से देख sp3 और 1s से, इसीलिए भाई साहब अब चिंता नहीं है, अब एंगल 109 के आसपास होने चाहिए, साबित हो गया 109 के अराउंड हुआ। और अपना लोन पेयर दोस्त, लोन पेयर sp3 लोन पेयर विथ 75% पी कैरेक्टर, विच मेक्स NS3 स्ट्रॉन्गली बेसिक। सोचो क्यों हाइब्रिडाइजेशन अपन ना करवाएं, क्यों इसकी पूजा ना करें इस हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट की, ठीक वैसे जैसे हम लोग गॉड को कंसीडर करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन अज्यूम करके हमने अमोनिया के बॉन्ड एंगल को भी एक्सप्लेन कर लिया और उसके बेसिक नेचर को भी एक्सप्लेन कर लिया। अगर हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर ना करते तो इसका यह चीज नहीं होता, ये हो ही नहीं पाता। तो हाइब्रिडाइजेशन हाइपोथेटिकल होके भी हमारे चीजों को कितना सही तरीके से एक्सप्लेन कर लेता है। अभी एक मॉलिक्यूल और लेता हूं, मजा आ जाएगा, इसी के ग्रुप का लेता हूं और NS3 की जगह PH3 उसी ग्रुप से 5s से लेता हूं, क्योंकि अभी तक हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत है मिथेन को, हमने देखा NS3 को भी हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत है। अब बच्चे क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूल आया सब में हाइब्रिडाइजेशन ले लेते हैं। भाई साहब आपने पढ़ा होगा कुछ चीजों को डॉक्टर बोलते हैं किसी चीज के साथ मिला के मत खाओ, अकेले अकेले खाओ। सारे मंदिर में सारे भगवान जितने भी तरीके के होते हैं वो नहीं होते हैं, कुछ कुछ मंदिर किन्हीं अकेले का भी होता है, वो वहां किन्हीं और की पूजा नहीं होती है। बहुत सारी दवा बोली जाती है, इस दवा को खाओ, इसके साथ कोई और चीज नहीं ले सकते हो, मतलब नीड की बात है, जरूरत की बात है। अब बच्चे क्या करते हैं, सारे मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर जोड़ लिया, हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया। क्या खतरा है इसमें, अगले पेज में डील करते हैं, लास्ट पेज, बस 5 से 7 मिनट और, हिम्मत की दाद देनी होगी। 110 लोग तक गए थे और अभी भी 97-98 लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, वेरी गुड, बने रहिए, 5 मिनट और लेंगे आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, और अगर अच्छा लग रहा हो, क्लास सही जा रही हो, लाइक दबाते जाओ। लेट फॉर्मेशन ऑफ PH3
PS3 के फॉर्मेशन की बात करें। आ जाओ अच्छे से देखो, चला जाओ। अब PS3 में एक बार फिर से उसी के ग्रुप का है ये 3s2 3p3 है, 7s3 की तरफ पॉइंट है। अब पॉइंट क्या है ना, एक्सपेक्टेड, क्योंकि अगर इसमें हाइब्रिडाइजेशन लिख देना है तो sp3 लिख दोगे तुम लोग बना के। तो सबसे पहले एक्सपेक्टेड क्या है पहले ये देखते हैं। एक्सपेक्टेड मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी विदाउट हाइब्रिडाइजेशन। तो सर px py pz परपेंडिकुलर होगा, बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट 90 डिग्री होने चाहिए, करीब करीब। और सर 3s लोन पेयर होंगे, तो 3s लोन पेयर मतलब सर वेरी वीकली बेसिक, एक तो सर सेल बढ़ गया और सर s ऑर्बिटल है, इसीलिए सर काफी वीकली बेसिक होनी चाहिए। आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों PH3 को हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये काफी वीकली बेसिक हो। PH3 को क्यों अपन उम्मीद करते हैं कि ये काफी वीकली बेसिक हो, क्योंकि प्योर एस ऑर्बिटल 100% एस ऑर्बिटल एस कैरेक्टर होने से आप वो बेस तो बहुत खराब होगा लोन पेयर डोनेशन एबिलिटी। और फिर हमने क्या लिखा, थर्ड से हमने ये भी पढ़ाया कि जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा हो उतना ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वहां और बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा चाहिए। अब ऑब्जर्व की भी बात कर लेना दोस्त, ऑब्जर्व आ जाओ। इसका एंगल होता है 93.8 डिग्री, मतलब क्या सकते हो ऑलमोस्ट 90। दोस्त प्लीज बी मैच कर गया एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व। PH3 इज एक्सट्रीम वीकली बेसिक, वेरी वीकली बेसिक। कौन? PH3 दोस्त मैच कर गया बेटा, दैट इज PH3 डज नॉट हैविंग नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसको हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं है, समझ ले अच्छे से। और जिसको जिस चीज की जरूरत नहीं है अगर तुमने करवा दिया तो क्या होगा, जिस चीज की जरूरत नहीं है वो अगर तुमने करवा दिया तो क्या होगा। बगल में यहां पर देखते हैं कि अगर हमने हाइब्रिडाइजेशन PH3 में करवा दिया तो PH3 को क्या नुकसान हो जाएगा। अगर देख कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको करवाने से तो करवा ले, क्या दिक्कत है, हाइपोथेटिकल है करवा ले। लेकिन अगर कुछ नुकसान हो गया, प्रॉपर्टी कुछ उल्टी पुल्टी आ जाए तब हम थोड़ी ना करवाएंगे। इसलिए पहले देखना है कि PH3 को अगर हमने हाइब्रिडाइजेशन करवा लिया तो PH3 पर उसका क्या असर आता है। ठीक से देख, लेट हाइब्रिडाइजेशन इन PH3, चलो करवा लो, आ जाओ। ठीक से देखो, क्योंकि हमने नहीं करवाया तो ये ना, ये 3px, ये 1s x एक्सिस पर, 3py 1s y एक्सिस पर, और एंगल होना चाहिए 90 डिग्री और एंगल है भी 93.8 डिग्री। अगर हमने करवा दिया तो भाई अपना लोन पेयर sp3 लोन पेयर हो जाएगा, 75% p कैरेक्टर हो जाएगा, और ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 हो जाएगा ये वाला, और जो h के साथ बॉन्ड्स बनेंगे ये एंगल 109 डिग्री की तरफ चला जाएगा। सवाल है ऐसा होता है ही नहीं, तो अगर आपने करवा दिया तो बेटा वो ले लुट्टा हो जाएगा, ओ रे सिद्ध हो जाएगा, बेसिक कैरेक्टर ये स्ट्रॉन्गली बेसिक हो जाएगा, PH3 स्ट्रॉन्गली बेसिक है नहीं तो आप करवा नहीं सकते हो। तो हमने बोला
आपको यह समझना पड़ेगा कि कहां हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत है और कहां नहीं है। आंख बंद करके जो हाइब्रिडाइजेशन कराते चले जाते हो तो गलतियां होंगी इसमें। हां, इसमें भी कोई दो राय नहीं है सर। अब हम कैसे जाने कि हाइब्रिडाइजेशन कहां होना है कहां नहीं करना है? धीरे 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 जानोगे भाई साहब। आपने एडमिशन ही हमारे पास इसलिए लिया था कि आप जान सको, तो आपको धीरे धीरे ये चीजें समझ में आएंगी कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन, कहां पर हाइब्रिडाइजेशन नीडेड है कहां नहीं है। अभी आंख बंद करके करवा रहे हो, करवाओ, ठीक है, आप स्टूडेंट हो, आपको करना भी चाहिए, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी होगी कि आपको धीरे धीरे इसका अपन जो है वो आपको एक बाउंड्री समझाए कि देख भाई कहां कहां पे कब कब नहीं करवाना है। देखो कितना समझ में आ गया। प्रेमी सिंह खुशी से झूमने लगा बेचारा। तो उम्मीद है आज आप लोगों ने नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को समझा होगा, हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्या है और जरूरत उसकी नहीं होने पर करवा देने से मॉलिक्यूल गलत डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टी चले जाएंगे। क्या आज की क्लासेस अच्छे से आप लोगों को समझ में आई या नहीं? आई तो लाइक दबाते जाइए और टाइप कीजिए, पहले बताइए हाँ सर क्लियर होंगे ये सारी चीजें। नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को आज हम लोगों ने अच्छे से समझा, सिर्फ नीड समझाया गया। कुछ डाउट भी है तो वो भी पूछो। सुरभि ने लिखा सेकंड पीरियड में होता है क्या? देख बेटा, सेकंड पीरियड में एनर्जी क्लोज होने की वजह से सेकंड पीरियड में फिजिबिलिटी, सुरभि बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा। सेकंड पीरियड में एनर्जी डिफरेंस क्लोज होने की वजह से, एनर्जी क्लोज होने की वजह से सेकंड पीरियड में फिजिबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं कि थर्ड में नहीं होता, वहां भी हो सकता। चीजों को एग्जाम्पल वाइज देखना पड़ेगा। यस सर गुड सर क्लियर सर वेरी गुड बहुत बढ़िया सर यस सर क्लियरली हाँ सर क्रिस्टल क्लियर है यस सर बहुत बढ़िया पूरा क्लियर सर। चलो अगर किसी को नहीं आया तो बता लिख नहीं सर नहीं समझ में आया, तब तो हम जाने कि हाँ अगले क्लास में हमको और तैयारी करके मेरे को आनी है सर। और क्लियर ऑल क्लियर ऑल क्लियर यस सर शिशु रंजन यस सर राजशेखर थैंक सर वेलकम सुरभि कश्यप मजा आ गया गुड सुरभि अर्पित सर ड्रैगो रूल से होगा ना? हाँ बेटा ड्रैगो रूल आगे डिस्कस करेंगे, हालांकि ड्रैगो रूल आपको पढ़ना नहीं है, 11 12 वालों को नहीं पढ़ना होता, ग्रेजुएशन और अपर क्लासेस वाले को पढ़ना होता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एक दो लाइन डिस्कस करेंगे ड्रैगो रूल, और वो फालतू का रूल है वैसे। चलो तो आज के क्लासेस में हमने अपने तरफ से कोशिश की है, नेटवर्क ऊपर नीचे जो भी रहा हो हमने कोशिश किया कि आपको अच्छे से समझा दिया जाए। अगली क्लास कल होगी हाइब्रिडाइजेशन की सेकेंड लेक्चर कल वही 6:15-6:20 के अराउंड वो शेड्यूल होगी। आप एकदम समय से बैठ जाया करें, दो चार मिनट आगे पीछे होना वो अलग मैटर है। बहुत मजा आया पुष्पांजलि, थैंक यू पुष्पांजलि। आप तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मैं फिर लॉग आउट कर रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय।